अब देखो इसमें आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फिर इसी में न्यूटन्स लॉ का, ये है ना न्यूटन्स लॉ में तुम्हारा एक तो न्यूटन्स लॉ होता विदाउट फ्रिक्शन, फिर आया तुम्हारा फ्रिक्शन, अब आता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो पूरा कंप्लीट। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। मोमेंटम का डेफिनेशन हम पहले ही बता चुके थे, है ना, और जिसका छूट गया है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का स्टार्टिंग वाला क्लास देखेगा, फर्स्ट क्लास, है ना, तब जाके उसको फोर्स का डेफिनेशन मोमेंटम का डेफिनेशन क्लियर होगा। हम फिर भी लिख दिए हैं क्या क्या होता है, मास और लीनियर वेलोसिटी इस दोनों का जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। मास और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। और मोमेंटम में क्या है, मास है और साथ साथ क्या है वेलोसिटी है। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर होता है ना। जिसको डाउट होगा वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का क्लास करेगा, पहला क्लास न्यूटन्स का होगा। और फोर्स का डेफिनेशन क्या था, फोर्स का था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना। एक सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज करता है उसको क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है क्या कि मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर ये फोर्स जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, अगर नेट फोर्स होगा किसी सिस्टम पर अगर जीरो होगा तो उस वक्त इसका जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा और फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन सब क्या है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। अब इसको कैसे डेरिवेशन करते हैं वो देखना। यानी तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ मोमेंटम कब कंजर्व होगा, तो मोमेंटम उस वक्त कंजर्व होगा जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब फोर्स का डेफिनेशन तुमको पता है, द डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। कहता है कि फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फोर्स को क्या कर दिया, जीरो। देखो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, द चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन फोर्स, तभी होता है जब मोमेंटम चेंज करता है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या, जीरो इंटू डेल्टा टी। अब जीरो को किसी भी चीज से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम ये कई बार बता चुके हैं कि डेल्टा पी अगर जीरो होगा इसका मतलब पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब किसी भी चीज का चेंजेज अगर जीरो होगा इसका मतलब वो चीज जितना पहले था वो बाद में रहेगा। एग्जांपल देख लो, अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, यानी कह रहा है कि परिवर्तन होगा ही नहीं, इसका मतलब ये पक्का है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अरे तुम बताओ, अगर इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर भी है 10 ही डिग्री सेंटीग्रेड, जितना शुरुआत में उतना ही बाद में है, तो बताओ तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, कुछ बदला, तो तुम बोलोगे नहीं बदला। इसका अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है तो तुम ये बोल सकते हो ना जितना पहले था उतना ही बाद में, यानी चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो होगा इसका हम बोल सकते हैं जितना शुरुआत में था उतना ही बाद में है। ऐसी अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा इसका हम बोल सकते हैं जितना शुरुआत में उतना ही क्या होगा, बाद में। यानी यहां पे क्या है कि अगर इनिशियल मोमेंटम है 10 केजी मीटर पर सेकंड और फाइनल मोमेंटम भी है 10 केजी मीटर पर सेकंड, इसका जितना पहले उतना ही बाद में है, तो बताओ तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो। तो अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो तुम बोल सकते हो जितना पहले उतना ही बाद में, यानी इनिशियल और फाइनल क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। तो यहां पे उसी कांसेप्ट को यूज किया गया है, है ना, कि इनिशियल और फाइनल क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये इसका मेन पार्ट है कि फोर्स अगर जीरो हो गया तो फोर्स को जगह जीरो लिख दिए, तो यहां से डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट हो गया, यानी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसी के रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो तुम देखोगे मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। और मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम जानते हैं मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। तो अगर वेक्टर होता है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल एक हिस्सा होगा। लेकिन वेक्टर में क्या है कि x को x के साथ इक्वेट कराते हैं और y को y के साथ इक्वेट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि 3i plus 4j equal to xi plus yj,
वेक्टर पढ़े हो तो बोले बताओ तो x कितना होगा, 3i plus 4j equal to xi plus y, जिसका x जरूर 3 होगा, x को x के साथ इक्वेट कराए और y कितना होगा 4 होगा, है ना ये चीज। तो वेक्टर में क्या होता है, जब भी इक्वेट कराते हैं x को x के साथ इक्वेट कराते हैं, y को y के साथ इक्वेट कराते हैं। तो वही चीज लिखे हैं, मोमेंटम चूंकि वेक्टर है इसलिए इसका ध्यान रखना है कि जितना शुरुआत में होगा वहीं बाद में होगा, लेकिन x को x के साथ इक्वेट कराना है, y को y के साथ इक्वेट कराना है, ये चीज है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये चीज। अब इसका यूज कहां होता है, इसका मेनली यूज होता है तुमको कॉलिजन में होता है, जो कॉलिजन पढ़ेंगे वहां इसका ज्यादातर यूज होगा, अपने आप कर लेना आसान है ये सब। अब हम लोग सीखेंगे कॉलिजन क्या होता है, तो उसके पहले आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिंग। अब दो तरीके से कॉलिजन को डिवाइड किया जाता है, पहला तरीका हो गया क्या हो गया, कॉलिजन में भी थ्री टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन मतलब धक्का लगना है, इलास्टिक कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, यानी इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही है ना, जबकि इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अलग अलग है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि जैसे अगर ये ग्राउंड है, मतलब नीचे जमीन है ना, और ऊपर से कोई बॉल गिरा है ना, तो क्या होगा, जैसे हाथ से बॉल छोड़ना है, हाथ से बॉल छोड़े तो क्या होगा, वापस अगर उसी लेवल तक आ गया तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। जबकि प्रैक्टिकली यानी हकीकत में ये चीज कभी नहीं संभव हो सकता है कि कोई भी बॉल को गिराए जिस हाइट से गिराएंगे वापस उसी हाइट पर आएगा, ड्रॉप करने बोल रहे हैं। अब तुम बोलोगे नहीं हमारे पास वो छोटा वाला बॉल था जंपिंग बॉल, तो उसको ऐसे करते हो तब ना, ऐसे नहीं करना, इस तरह से थ्रो नहीं करना, थ्रो करेंगे तो एनर्जी दे दिए उसको, है ना, तो ऐसे करेंगे तब तो ज्यादा हाइट चाहिए। हम बोल रहे हैं सिंपली गिरा के देखना, यानी सिंपली ड्रॉप करके देखो तो क्या वो वापस उसी हाइट तक आता है, तो तुम देखना घर पे तो देखना देखेगा क्या कि नहीं वो सेम हाइट पे नहीं आता, कुछ कम होता है, बाकी और सब बॉल तो और कम हाइट पे आएगा, है ना। तो ऐसा कोई सामान जिसको हम लोग गिराएं, यानी हाथ से छोड़े ड्रॉप करना जिसको बोलते हो, तो वो वापस उसी हाइट पे आ जाएगा, सेम हाइट अचीव कर लेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब यहां से अगर गिराते हैं हाथ छोड़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का दिए जीरो, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना, और यहां पर टकराएगा, देखो ये टकराया है ना, और टकराने के बाद वापस उसी रास्ते जाएगा, हम भले बगल में दिखा रहे हैं, और फिर सेम हाइट पर अगर पहुंच गया तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, है ना, यानी जिस हाइट से ड्रॉप करेंगे उसी हाइट पर अगर वापस आ जाएगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, है ना। ये रियल में नहीं होता है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन रियल में होता है। ये अगर कोई ग्राउंड है और यहां से अगर कोई चीज को गिराए हाथ से छोड़े, जैसे हाथ से छोड़ोगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा, टकराने के बाद वो क्या हुआ, उतना हाइट नहीं जाता जितना हाइट पहले था, कुछ कम हाइट जाता है। तो ये हो गया इन इलास्टिक। ये हम लोग देखते हैं जो घर में देखते हैं, यही बड़ा कोलिजन होता है। और कुछ मान लो भारी भरकम बैग है, अगर मान लो एक बोरा चावल ले लिया और हाथ से छोड़ दी जमीन पर, तो क्या देखते हैं उछलता ही नहीं है ना। तो ऐसा कोई चीज जो उछलता ही नहीं हो, जरा सा भी नहीं उछले, मतलब रिबाउंड जिसको बोलते हो, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी हाथ से छोड़ दिए जैसे जैसे नीचे आएगा और यहां पे आएगा और यहीं का यहीं रह जाएगा, यानी ड्रॉप करने मतलब यहां से पहुंचने पर टकराने पर वापस रिबाउंड नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये तीन तरह का कोलिजन हो गया, एक में क्या हो गया धक्का लगा तो वापस वहीं तक आ गया जो रियलिटी में नहीं संभव है, एक में क्या हो गया धक्का लगा कुछ कम हाइट अचीव किया ये संभव है, ये हो गया परफेक्ट इनलास्टिक, और एक में क्या हुआ धक्का लगने के बाद उछला ही नहीं रिबाउंड हुआ ही नहीं, तो उसको क्या बोल दिए परफेक्टली, ये भी हो सकता है, यानी ये और ये संभव है, जबकि ये हम लोग नहीं देखे हैं आज तक, है ना। तो ये इस तरह से कोलिजन का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक और तरीका है कोलिजन को डिवाइड करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन।
हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? हेड ऑन मतलब हो गया सामने सामने अगर धक्का लगता है, हेड ऑन कोलिजन, हेड मतलब सामने सामने मार रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये हो गया सामने सामने धक्का मारा है। ये जो कोलिजन होगा वो कौन सा होगा? हेड ऑन। इवन इसमें भी बोलते हेड ऑन, जैसे ये 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और आगे वाला गाड़ी कुछ कम से जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, स्वाभाविक धक्का लग जाएगा। तो ये जो धक्का लगेगा इसको भी क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन, है ना। यानी चाहे ऐसे धक्का मारो या सेम मोशन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में अगर मोशन है और पीछे लगा स्पीड अगर ज्यादा है और तब धक्का मार रहा है, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, है ना। और ऑब्लिक कोलिजन क्या हो गया? अलग अलग रास्ते से आ रहा है ना, अगर अलग अलग रास्ते से आके टकराएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और यहां जाके धक्का लग गया, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे, है ना। इसका बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल जैसे कैरम बोर्ड सब में देखते हो, या कोई दो अलग अलग रोड से आ रहा है जाकर के कॉर्नर पे चौराहा पे जाकर धक्का लग गया, तो वो सब क्या हो गया? ऑब्लिक कोलिजन हो गया। यानी अलग अलग डायरेक्शन से आके धक्का मारेगा तो ऑब्लिक कोलिजन, सेम डायरेक्शन में धक्का मारा तो क्या हो गया? हेड ऑन कोलिजन, है ना। ये चीज है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, कि आखिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते किस पर, है ना। तो वो चीज अब हम लोग सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, इसे लिखते हैं। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर होगा तुम्हारा। अगर मान लो दो गाड़ी है, एक गाड़ी ये है एक गाड़ी ये है, इसका मास कुछ भी है, इसका मास से धक्का लगने में कोई मतलब नहीं होता। तुम बता दो, ट्रक आगे आगे जा रहा है पीछे से मोटरसाइकिल जा रहा है, धक्का मार सकता है कि नहीं मार सकता है? या मोटरसाइकिल आगे आगे जा रहा है पीछे से ट्रक जा रहा है तेजी से, धक्का मार सकता है कि नहीं मार सकता है? दम मार सकता है। तो धक्का लगने में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, जो तेज चलाएगा गाड़ी पीछे लगाएगा, तेज चलाएगा तो धक्का लग जाएगा, और अगर ऐसे उल्टा डायरेक्शन आ रहा था तो तेज और कम से कोई मतलब नहीं है। तो धक्का लगने में मास कोई मायने नहीं रहता, उसका काउंटिंग नहीं होता। तो अब बताओ तो एक गाड़ी जा रहा है 20 की रफ्तार से और उसके आगे का गाड़ी का रफ्तार कम है 12, तो पक्का है कि इसको धक्का मार देगा। लेकिन जैसे ही धक्का मारेगा तो खुद सोचो, ये जा रहा है ऐसे से, पीछे लगा तेज है स्पीड, ये धीरे-धीरे जाके मार दिया धक्का। जैसे ही धक्का मारेगा तो क्या हो गया? इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। अब पीछे लगा स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। जैसे धक्का मारा ये आगे भाग गया, ये स्पीड हो गया। तो यहां पर क्या है ना कि अगर तुमसे पूछे बताओ ये इसको धक्का मारा मारेगा या नहीं मारेगा, पहले ये सवाल, तो तुम बोलोगे हाँ धक्का मारेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब ये इसको पकड़ पाएगा, यानी अप्रोच है इसके पास, है ना, अप्रोच मतलब उस तक पहुंच पाएगा, अप्रोच मतलब यही चीज है। तो तुम बोलोगे हाँ पहुंच पाएगा, क्यों पहुंच पाएगा? क्योंकि ये 12 की स्पीड चलाएगा और ये 20 की स्पीड चलाएगा, ये ज्यादा तेज चला रहा है ना। अगर दोनों 12 की स्पीड चला रहा तो कभी पकड़ पाता? तो तुम बोलोगे नहीं, कभी नहीं पकड़ पाता। तो कौन ज्यादा तेज चला रहा है? पीछे। ध्यान रखना जो धक्का मारता है ना, यानी जो इनिशिएटिव लेता है, तो धक्का कौन मार रहा है? ये मार रहा है या ये मार रहा है? तो तुम बोलोगे ये मार रहा है। तो जो धक्का मार रहा है उसको 1 से लिखना है ना, जो धक्का मार रहा है उसको किससे लिखना है? 1 से। और जिसको धक्का लगेगा वो कौन हो गया? 2 हो गया, सेकेंड बॉडी हो गया, बस यही से। और जो फर्स्ट होगा धक्का लगने के बाद यानी आफ्टर कोलिजन, वही फर्स्ट होगा। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन, धक्का लगने मिले, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो बताओ कि यहां पे इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके पास स्पीड क्या है? ज्यादा। कितना स्पीड ज्यादा है? तो तुम कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ये 20 है और ये कितना है? 12। तो इसमें से उसको घटा दिए, है ना, सॉरी अप्रोच में है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? U1 माइनस, है ना। कितना स्पीड? ये 20 है, ये कितना 12, इसके पास कितना ज्यादा है? 8 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, इसीलिए इसको अप्रोच कर पा रहा है, इस तक पहुंच पा रहा है ना। अच्छा, धक्का लगने में अलग अलग हो गया, क्यों अलग अलग हो गया? क्योंकि इसका स्पीड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और इसका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। अगर तुमसे पूछेंगे कि आखिर यह आगे क्यों निकला, तो तुम बोलोगे इसका स्पीड ज्यादा, यानी बाद में धक्का लगने में सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। तो बोले बताओ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना बोलोगे? तो ये 14 चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, इसके पास 4 मीटर पर सेकंड सरप्लस है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो v2 माइनस v1।
और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से लिखते हैं, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, वी टू माइनस वी वन बाय यू वन माइनस यू टू, है ना। वन कौन है, यू वन हो या वी वन हो, वन कौन है जो धक्का मार रहा है, तो यू से अगर लिखे मतलब इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन, वी से अगर लिखे इसका मतलब आफ्टर कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, और इसका रेंज 0 से 1 होता है, समझ में आ जाए। तो ये e हो गया v2 minus v1 by u1 minus u2, है ये चीज होता है। कैसे कैसे किए ये क्लियर हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई यूनिट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कोई यूनिट, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी क्या है वेलोसिटी, इसलिए सब कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर्मूला याद रखना v2 minus v1 by u1 minus u2, नीचे उल्टा है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो वो वन बाय वन करेंगे, है ना।